प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इंटरनेट पे मुझे इस एमएमएस की क्या कीमत मिल रही है? पूरे 10 लाख रुपए। वो लड़की खुद उस ब्लैकमेलर का खून कर सकती है। इन्होंने सुसाइड नहीं की थी, इनका खून कर दिया गया था। यहाँ ऑलरेडी दो लोगों के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है। प्लीज अब तुम ये मत कह देना कि खून तुमने किया है, समझ गए? आपको यकीन है कि खून इन दोनों ने नहीं किया? आपको ये भी यकीन है कि खून आपने नहीं किया? तो भी खून किसने किया है? खून मैंने किया है। विशाल तुम? हाँ मैं। ऑफिसर, उस राज मल्होत्रा का खून मैंने किया है। आपकी तारीफ। ये विशाल है, रुचि का मंगेतर। ये झूठ बोल रहा है ऑफिसर। ये राज मल्होत्रा का खून कैसे कर सकता है? ये तो उसे जानता तक नहीं। भाभी ठीक कह रही हैं। परसों से पहले तो मैं भी ये नहीं जानती थी कि वो इसी शहर में है, तो फिर इसे राज के बारे में कैसे पता चला? वैसे ही जैसे तुम्हें पता चला उस रात जब मैं यहाँ तुमसे छुपके मिलने आया था। तब रुचि, तुम्हारा फोन बज रहा है। भाभी किसका फोन है? रुचि क्या है? क्या भाभी? ओह नो, राज। ये राज कौन है? मेरे अतीत की एक भूल है भाभी। वो पहले मुझसे प्यार का नाटक करता रहा। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं रुचि की जिंदगी से उस राज मल्होत्रा के चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मुझे पता था कि रुचि के भाई के पास एक देसी रिवॉल्वर है और वो रिवॉल्वर हासिल करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैं जानता था कि उसने जब रुचि को अपने घर पे बुलाया होगा तब वो अकेला ही होगा। किस्मत से दरवाजा खुला हुआ था। और फिर रिवॉल्वर से मैंने फिंगरप्रिंट साफ करके उसे वहीं फेंक दिया। क्योंकि उसे रखना वापस आसान नहीं था। मैं जानता था कि वो रिवॉल्वर देसी है और उसके मालिक तक पहुंचना नामुमकिन है। और इन दोनों ने वो रिवॉल्वर वहां देखकर ये समझा कि कातिल इनमें से एक है और इसलिए ये दोनों अपने अपने सर पर झूठा इल्जाम लेने को तैयार हो गए। इस बात का क्या सबूत है मिस्टर विशाल? क्या आप भी वही नहीं कर रहे? यस, हो सकता है तुमने खुद वहां पहुंचकर ये कहानी गढ़ ली हो। सबूत है, सबूत है ऑफिसर, जो सिर्फ एक कातिल के पास हो सकता है और वो है राज मल्होत्रा का मोबाइल। उसकी हार्ड डिस्क तो मैंने डंप कर दी थी पर उसका मोबाइल अब भी मेरे पास। मैं ये जानना चाहता था कि वो एमएमएस उसने किसी और को तो नहीं भेजा। मिस्टर विशाल, मे आई प्लीज? बट दिस इज नॉट द प्रूफ। हो सकता है कि ये हमारे बाद वहां पहुंचा हो और इसने वहां से मोबाइल उठा लिया हो।
You mean, आपने ये मोबाइल वहां छोड़ दिया जिससे MMS भेजा गया था? हाँ, इसमें से MMS डिलीट हो चुका है, इसे रखकर क्या फायदा होता? Listen you all, एक आदमी का कत्ल सिर्फ एक ही बार हो सकता है, ये तो तय है कि तुम में से दो लोग झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है तीनों भी झूठ बोल रहे हो, सच क्या है इसका पता लगाना हमारा काम है। Just a minute, officer. अभी विशाल ने कहा कि जब वो वहां पहुंचा तो 11 बजा था और उसका ग्लास 3/4 खाली था। क्यों विशाल? हाँ। और रुचि, जब तुम वहां पहुंचे तो 11:05 हो रहे थे, राइट? राइट। तो तुमने क्या देखा, ग्लास भरा हुआ था या खाली? I don't know, क्योंकि वहां तो कोई ग्लास था ही नहीं। पक्का? Of course, मुझे अच्छी तरह से याद है वहां कोई ग्लास नहीं था। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो ग्लास आधे से ज्यादा भरा हुआ था। तो अब आप ही बताइए ऑफिसर, जब आप वहां पहुंचे तो आपको क्या मिला, ग्लास भरा हुआ था या खाली? ग्लास 3/4 भरा हुआ था। There you are. अगर राज 11 बजे मर चुका था तो उसका ग्लास दोबारा कैसे भर गया? अपने इससे साफ पता चलता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, फोरेंसिक रिपोर्ट से इसका पता चल जाएगा और मौत का एग्जैक्ट टाइम फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बताएंगे। 11, 11:05 या 11:10। सर, कमाल का केस है, ऐसा केस हमने अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा ही नहीं। सर, अक्सर होता यह है कि टॉर्च लेकर ढूंढो और कातिल का कोई पता नहीं चलता, कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। वो चला रहा है कह रहा हमने खून किया, वो चला रहा है कह रहा हमने खून किया। सर, आखिर कातिल है कौन? कातिल कौन, यही तो सवाल है। कत्ल एक और उस कत्ल का दावा करने वाले कातिल तीन, तीनों की कहानियां जुदा जुदा लेकिन क्लाइमेक्स एक सा है, राज मल्होत्रा का कत्ल। और तीनों कहानियां बिलीवेबल भी लगती हैं, किसी में कोई लूपहोल नजर नहीं आता। लेकिन सर, कहानी और सच्चाई में कुछ ना कुछ फर्क तो होता ही है ना, और वैसे भी झूठ सच्चाई जितना परफेक्ट तो नहीं हो सकता। सर, मुझे तो रुचिका की कहानी में झोर नजर आता है। आपको याद है रुचिका ने क्या कहा था कि जब वो राज के घर पहुंची तो राज ना तो नशे में था, ना तो वो ड्रिंक कर रहा था और ना ही तो वहाँ कोई ग्लास था। जबकि सच्चाई ये है सर कि हमने वहां से 3/4 भरा हुआ ग्लास जब्त किया है। इस तरह तो विशाल की कहानी भी गड़बड़ है। उसका कहना है कि ग्लास आधे से ज्यादा खाली था और राज इस कदर नशे में धुत था कि शूट करने वाला उसके सर तक कब पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। इसमें सबसे ऑथेंटिक स्टोरी जो लग रही है वो रुचि की भाभी नंदा की स्टोरी, और वो जो टाइम बता रही है वो सबसे बाद का टाइम, 11:10 का टाइम। अभी सवाल ये है कि जो झूठ बोल रहे हैं वो टाइम के बारे में झूठ क्यों बोल रहे हैं? टाइम के बारे में झूठ बोल रहे हैं मतलब? मतलब ये कि वो दोनों विशाल और रुचि अगर नंदा के बाद वहां पहुंचे थे तो उन दोनों ने टाइम में हेरफेर क्यों किया? उन्होंने ये क्यों कहा कि वो XYZ टाइम पर वहां पहुंचे थे? राइट सर, राइट। शायद मुझे प्रूव करना चाहते हैं कि उन्होंने पहले पहुंचकर राज मल्होत्रा को मार डाला था, इसलिए बाद में पहुंचने वाला आदमी खून कर ही नहीं सकता। लेकिन उनका टाइमिंग उनकी झूठ की पोल खोल दे। फॉरेंसिक रिपोर्ट से तो ये पता चल ही जाएगा कि गोली एग्जैक्टली कितने बजे लगी थी। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि तीनों के टाइमिंग में 10-15 मिनट का फर्क है और फॉरेंसिक साइंस की मदद से हमें जो मार्जिन मिलेगा वो आधे घंटे का है। सर, अगर टाइम मार्जिन 11 से 11:30 का हुआ तो तीनों ही उस टाइम मार्जिन में आ जाएंगे।
आप बोलो सुब्रमण्य। एक अच्छी खबर है, गोली के जख्म पर जो खून जम गया था उससे शूट करने का एग्जैक्ट टाइम पता चल गया है। ब्रिलियंट। उससे भी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बात और है। अच्छा, सुनोगे तो उछल पड़ोगे। ऐसी कौन सी खास बात है? Are you sure? 100% sure, I am a doctor. कमाल है सुब्रमण्य, तुमने तो पूरा केस पलट के रख दिया। अब आएगा मजा। आखिर बात क्या है, हम सब लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है? थोड़ा इंतजार कीजिए मैडम पीए, अभी आप सबको पता चल जाएगा। आप सबको ये जानकर खुशी होगी, फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चल चुका है राज मल्होत्रा पर किस वक्त गोली चली थी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सच सच बताएंगे उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। पहले आप बताइए मिस शर्मा। पौने 11 बजे मैंने राज साहब के लिए लास्ट ड्रिंक बनाया और उनके कहने पर दरवाजा खुला छोड़कर चली गई। मैं 11 बजे यहां पहुंचा। मैं यहां 11:05 पर पहुंची। मैं लाश देख के घबरा गई और चुपचाप वहां से निकल आई। मुझे लगा कि जैसे मुझ जैसे किसी शिकार ने राज का काम तमाम कर दिया होगा, लेकिन लेकिन मेरे मन में यह ख्याल तक नहीं आया कि वो रिवॉल्वर भैया की भी हो सकती है। रिवॉल्वर देखते ही मुझे सबसे पहले यही ख्याल आया कि रुचि ने राज का खून कर दिया है, क्योंकि मैंने रुचि को घबराए हुए वहां से निकलते देखा था। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी मैंने किया, मगर मुझे खुशी है इस बार आप में से किसी ने भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि हमें पता था राज मल्होत्रा पर गोली एग्जैक्टली 11 बजे चलाई गई थी और वो गोली विशाल सक्सेना ने चलाई थी। आई डोंट हैव एनी रिग्रेट ऑफिसर, मैंने उसका खून नहीं किया है, मैंने उस खून चूसने वाले जोंक का वध किया है, क्योंकि वो मेरी रुचि को अपना शिकार बनाना चाहता था। You're right. तुमने खून नहीं किया, क्योंकि अगर तुम चाहते तो भी खून नहीं कर पाते, क्योंकि वो पहले ही मर चुका था। उसका खून गोली से नहीं जहर से हुआ। जी हाँ, यू विल बी सरप्राइज टू हियर के उसके पेट में जो ड्रिंक मौजूद था उसमें जहर मिला हुआ था। और उसे ड्रिंक बनाकर आपने दिया था ना मैडम पीए? हाँ, मैंने ही दिया था, ये बात मैंने खुद आपसे बताई, लेकिन मैंने उस ड्रिंक में कोई जहर नहीं मिलाया था। आप चाहें तो उस ग्लास का बचा हुआ ड्रिंक टेस्ट करवा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, टेस्ट करवा चुके। वाकई उसमें जहर नहीं था। मतलब जहर किसी और तरीके से उसके पेट में पहुंचा होगा। Maybe और maybe not, क्योंकि जब विशाल वहां पहुंचा तब ग्लास काफी खाली था, लेकिन जब वहां रुचि पहुंची तो ग्लास था ही नहीं।
बाद में जब नंदा जी वहां पहुंची तो ग्लास काफी भरा हुआ था। मतलब समझते हैं आप? मतलब ये कि विशाल के वहां से जाने के बाद कातिल मौका वारदात पर दोबारा वहां पहुंचा और उसने वो जहर वाला ग्लास वहां से हटा लिया, तब रुचि वहां पहुंची। और रुचि के जाने के बाद कातिल ने प्योर ड्रिंक से भरकर नया गिलास वापस टेबल पर रख दिया। इसलिए मुझे यहाँ कोई ग्लास नजर नहीं आया। मतलब ये कि उस समय यह कातिल मौजूद था। यस, लेकिन इस बार उससे गलती हो गई। जो ग्लास उसने भरकर रखा था उस पर कातिल ने अपने फिंगरप्रिंट छोड़ दिए। यही है वो ग्लास। That's wrong. इस ग्लास पर तो मेरे ही उंगलियों के निशान होंगे ना, क्योंकि मैंने खुद आपसे कहा है कि राज साहब को लास्ट ड्रिंक मैंने बना कर दिया था। इसका मतलब ये है इस पर राज मल्होत्रा के फिंगरप्रिंट्स भी होने चाहिए, है ना? लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी मिस शिल्पा कि इस ग्लास पर आपके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। राज मल्होत्रा के फिंगरप्रिंट कैसे गायब हो गए मैडम? पीए, आपको कातिल साबित करने के लिए एक ही सबूत काफी है मैडम। सारे गवाह मौजूद हैं और वैसे भी मैं जानता था तुम ऐसी कोई हरकत जरूर करोगी, इसीलिए मैंने यहां फालतू ग्लास रखा था। वैसे आपकी फिंगरप्रिंट वाला ग्लास तो हमारे पास महफूज है मिशन। अब आपकी भलाई इसी में है मैडम पीए कि आप चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए, समझे? I killed him because वो इसी काबिल। Sir, I need some money. मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसों की तो किसको जरूरत नहीं है शिल्पा डार्लिंग। और ये जरूरत कभी खत्म ही नहीं होती। आपने मुझे पिछले 3 महीनों से कोई सैलरी भी नहीं दी। सो व्हाट? इतना प्यार दिया है तुमको, वो क्या कम है? आई लव यू शिल्पा डार्लिंग, आई लव यू। और ये तो प्यार करने वालों के बीच में पैसा कहां से आ गया? अगर इतना ही प्यार करते हैं उससे तो शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तुमको पागल नजर आता हूं। अपने इन्हीं हाथों से अपनी आजादी का गला घोट दूं? अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक MMS बनाया मैंने तुम्हारा, बोलो तो उसे इंटरनेट पे बेच देते हैं, अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, मंजूर है? उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इस आदमी को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि ये आदमी ही नहीं है। जब रुचिका वर्मा उससे मिलने आने वाली थी, मैं नहीं जानती थी कि वो इतना तेज जहर है कि 5 मिनट में ही उसका काम तमाम कर देगा। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आई तो मैंने देखा वो मरा पड़ा था, मेरे जहर से नहीं गोली से। Hey.
तभी वहां रुचिका वर्मा पहुंच गई। नहीं होता। अगर उसकी मौत को हार्ट अटैक बताती तो पोस्टमार्टम की मांग करने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन शायद मुझे भी अपने कर्मों की सजा मिलनी थी, इसलिए उस ग्लास पर मेरे। लेकिन उस ग्लास को वापस रखने से पहले तो मैंने पोछा था उसे, फिर मेरे फिंगरप्रिंट्स। आई एम सॉरी मिस शिल्पा, लोग हमसे इतना झूठ बोलते हैं कि उनसे सच उगलवाने के लिए हमें भी झूठ बोलना पड़ता है। एंड आई थिंक मैडम पीए, हमारा इतना झूठ तो माफ है, क्योंकि झूठ हो या सच, हमारा मकसद तो सच्चाई की तह तक पहुंचना है। और सत्य में वो जयते, यही हमारा मकसद है और यही हमारा फर्ज है।